मध्य प्रदेश उपचुनाव का आज प्रचार प्रसार थम जाएगा, तो विजयपुर और बुधनी में चुनाव प्रचार प्रसार थम जाएगा। बीजेपी कांग्रेस के कई दिग्गज चुनावी मैदान में हैं और लगातार प्रचार प्रसार देखने को मिल रहा था। मध्य प्रदेश उपचुनाव का प्रचार प्रसार आज थम जाएगा। विजयपुर और बुधनी में चुनाव प्रचार प्रसार आज थमने वाला है। तो बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस के कई दिग्गज चुनावी मैदान में हैं, ऐसे में जोरों शोरों से प्रचार प्रसार देखने को मिल रहा था जो कि आज थम जाएगा। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ जुड़ गए। गौरव, दो बड़ी खबरें, जहां उपचुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में आज प्रचार प्रसार थम जाएगा और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की अगर बात करें तो झारखंड में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आने वाले हैं। क्या कुछ जानकारियां दोनों खबरों को लेकर? देखिए साहिल, बिल्कुल, मध्य प्रदेश में 13 नवंबर को दो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। श्योपुर जिले की विजयपुर और सीहोर जिले की बुधनी विधानसभा क्षेत्र में जो है उपचुनाव होना है। तो निश्चित तौर पर आज शाम को 6 बजे चुनावी शोर थम जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी विजयपुर में है मोहन यादव, और विजयपुर से वो सीधे अभी ग्वालियर पहुंचने वाले हैं और ग्वालियर से सीधे झारखंड रवाना होंगे। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव आज झारखंड में चुनाव। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी में डेरा डाल रखा है। सीहोर जिला बुधनी विधानसभा से लंबे समय तक शिवराज सिंह चौहान विधायक रहे हैं, मुख्यमंत्री रहते हुए भी वहां से वही चुनाव जीतते रहे हैं। तो बीजेपी ने बुधनी का जो कमान है वो शिवराज सिंह चौहान के हाथों में सौंप रखी है। मोहन यादव झारखंड प्रचार लगातार प्रचार की कमान संभाल रहे हैं। अब अगर कांग्रेस पार्टी के नेताओं की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के नेता बुधनी और विजयपुर दोनों ही सीटों पर प्रचार कर रहे हैं। बड़ी बड़ी जनसभाएं हो रही हैं, रैलियां हो रही हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी आज विजयपुर में है, पूरा दिन वो विजयपुर सीट पर प्रचार करते नजर आएंगे। तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की दोनों ही सीटों पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है साहिल। बिल्कुल, और गौरव, जिस तरीके से प्रचार प्रसार की अगर हम बात करें तो लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जनता से ज्यादा जुड़ाव हो। मोहन यादव की लोकप्रियता की अगर हम बात करें तो हमने पिछले चुनाव में भी देखा है कि काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय वो जनता के बीच हुए हैं, और ऐसे में जो बहुत कम समय में जनता के बीच उन्होंने अपनी पैड बनाई है उसका पूरा इस्तेमाल पार्टी करती हुई भी यहाँ पर नजर आ रही है। झारखंड में आज प्रचार प्रसार को धार देते हुए नजर आएंगे, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से जनता से जुड़ाव की कोशिश यहाँ पर होगी, जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। क्या कुछ तैयारियों की बात अगर हम करें, किस तरीके की तैयारियाँ देखने को मिल रही हैं और कितनी धार यहाँ पर मिलेगी प्रचार प्रसार को उनके जनसभाओं के माध्यम से? देखिए साहिल, बिल्कुल, मोहन यादव लगातार चुनावी कमान संभाले हुए हैं। इससे पहले भी उन्होंने जो है झारखंड में चुनाव प्रचार किया, इसके पहले उन्होंने हरियाणा में लगातार कई सभाएं की और महाराष्ट्र में भी चुनावी प्रचार करने के लिए मोहन यादव लगातार कमान संभाले हुए हैं। तो जाहिर सी बात है, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, अपने बड़े बड़े जो नेता रहते हैं उनको अन्य राज्यों में भी प्रचार करने के लिए भेजते हैं। सचिन पायलट लगातार 2 दिनों तक मध्य प्रदेश में रहे, कांग्रेस पार्टी के नेता राजस्थान के हैं, लेकिन 2 दिन उन्होंने मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार किया। ऐसे ही मध्य प्रदेश के जो भी नेता हैं, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, मोहन यादव हो, चाहे नरोत्तम मिश्रा हो, ये बड़े नेता महाराष्ट्र झारखंड यहाँ पर जाकर चुनावी प्रचार कर रहे हैं साहिल जी। चलिए गौरव, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया।